हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग जो है हमारा, वो तो मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। जो लोग मेरी स्ट्रीम देख रहे होते थे उनको बहुत अच्छे से बताया मेरा हो गया था पीसी डेड, ठीक है, तो उसके काम के लिए निकलने लगे हैं अभी। बाकी माशाल्लाह 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 तुम लोगों को मैंने गाड़ी नहीं दिखाई ना, इसका मैं व्लॉग बना सका हूँ। सबसे पहले तुम लोग अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सिटी ली अब सिटी प्रोस्मेटिक 2017 मॉडल। माशाल्लाह गाड़ी बहुत साफ है, तकरीबन टोटल जन्मन ही है समझ लो। ये देखो, तो ये गाड़ी ली है, अब इस गाड़ी के काम शाम करवाने हैं, थोड़े वो करवाएंगे। बाकी हाँ मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, ये रहा हमारा पीसी, पीसी फूसी जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। इसको लेके चलते हैं अभी इसको लेके चलते हैं, जाकर चेक करवाते हैं इसे क्या मसला है क्या नहीं। मैं पहले चेक करवाया था इसे, इसका जो जीपीयू था ना वो डेड हो गया, वो रिपेयर भी मैंने करवाने की कोशिश की, रिपेयर भी नहीं हुआ। वो तकरीबन अब मुझे लेना पड़ना है उसको, नया ग्राफिक कार्ड लेना पड़ना है। अब सीन सारा ये है, मैं तुम लोगों को सारे सीन समझाता हूँ। अगर मैं नया ग्राफिक कार्ड लेता हूँ तो मुझे ग्राफिक कार्ड, मेरा दिल कर रहा है कि मैं वही ग्राफिक कार्ड लेकर क्या करूँगा, फायदा ही नहीं है। थोड़े से और पैसे डाल के उसको अपग्रेड कर लूँ ताकि आगे आने वाले एक दो सालों तक मेरा वो ग्राफिक कार्ड चल सके, ठीक है, अच्छी गेम्स ला सके। अगर मैं ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करता हूँ तो मुझे सीपीयू भी करना पड़ना है, प्रोसेसर जो होता है। अगर सीपीयू अपग्रेड करूंगा तो मुझे मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना पड़ना है। तो ये बजट फ्रेंडली में रहकर चलते हैं, जाकर बात करते हैं उनसे कि हाँ भाई क्या हिसाब है क्या हिसाब नहीं है, तो देखते हैं हम जाकर क्या सीन है। चलते हैं मार्केट, लेट्स गो बॉयज, निकलते हैं, चलते हैं यहाँ से, सीधा चलते हैं हम लोग हफीज सेंटर। हफीज सेंटर जाके इसे ज़रा पता करवाते हैं क्या सीन है क्या नहीं। वहाँ पर अगर कोई यूज़ ग्राफिक कार्ड मिलता हुआ तो यूज़ ग्राफिक कार्ड भी लेते हैं, और अगर प्रोसेसर का यूज मिल रहा हो तो प्रोसेसर भी इसका अपग्रेड करवा लेंगे एक ही दफा, ताकि थोड़ी बहुत शशके तो आए ना, समझा करो यार। पबजी में कुटना छुटना नहीं है तुम लोगों को। अब पहन ये देखो, इसने मुझे गाड़ी नजर नहीं आ रही, गाड़ी कितनी बाहर है। चलो यार बस उधर ड्राइव करने दो मुझे, उधर जाकर मैं तुम लोगों से बात करता हूँ। यार वेप की शॉप में आया था बहन, जो वेप खत्म हो गया था, बिल्कुल लेट था, बेबी शॉप है, बेबी शॉप ही बंद है। तो चलते हैं अब, कोई और सीन बना लेंगे अपना, चलते हैं वी सेंटर। ये यहाँ पर बीसी पड़ा है, इसको तो बस। फाइनली हम यहाँ पर आरपी टेक्स एंड गेम्स के बाहर पहुँच गए, यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है तो ये पीसी पड़ा है, अभी लेके चलते हैं अंदर। उनसे जाके कहते हैं बेरी भाई, आज सर 4 साल पहले मैंने इनसे बनवाया था न्यू पीसी, इसके मेरे पास बॉक्स, इसकी इनवॉइस, इसका हर एक चीज पड़ी हुई है। फिर आगे बोलता हूँ पेरे पे इसको अपग्रेड कर दें, इसके एक तो प्रोसेसर चेंज कर दें, दूसरा कोई अच्छा सा ग्राफिक कार्ड देते हैं, जो मेरे पास है वो तो उड़ गया हुआ है, फक्ड अप हो गया हुआ है। तो उनसे चलते हैं, जाके बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेट्स गो बॉयज। हेलो बॉयज, तो आर्बिटेक्स एंड गेम्स में होके आ गया था, उसके बाद में गया था गेम्स एंड गीक, उसके बाद में डड्डू चार्जर गया, वहाँ पर डड्डू चार्जर खुद बैठे हुए थे, उनसे मैंने बात की, सारी डिटेल्स ली हैं, सारा कुछ डिसाइड किया, छोटा भाई साथ है, सब कुछ डिसाइड किया वहाँ पर जाके। मैंने रेट्स वगैरह पूरी हफीज सेंटर, यकीन करो हफीज सेंटर में 2 घंटे फिरता रहा हूँ कि अच्छा रेट मिल जाए मुझे, शीशा पर है अच्छा रेट मिल जाए मुझे। उसके बाद मैं घर आ गया, घर आके मैंने थोड़ा डिसाइड किया कि हाँ भाई क्या करूँ अब, मुझे ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना चाहिए या फिर मुझे अपना पीसी अपग्रेड करना चाहिए, सोचों में पड़ गया था। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया, मैंने रोहान भाई से भी बात किया जो आर्बिटेक्स में होते हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनसे मेरी अभी घर में जब मैं था उनसे मेरी तब बात हुई है, तो उन्होंने कहा मुनीम भाई आ जाओ, मैं आपके साथ प्राइस का कर लूँगा, प्राइस का भी कर लेंगे, इवन कि वो मुझे अच्छे से गाइड भी कर देंगे। तो अभी मैं गाड़ी में इशारे पे रुका हूँ, ठीक है, अभी हम गुलबर्ग जा रहे हैं आर्बिटेक्स एंड गेम्स, उधर जाकर उनसे बात करते हैं। अब मेरा यही इरादा है, बल्कि तुम लोगों को उधर जाके बताता हूँ, लेट्स गो बॉयज। तो बॉयज ये फाइनल पहुँच गए, ये सामने हफीज सेंटर है, अगर किसी को रास्ता नहीं पता आर्बिटेक्स एंड गेम्स का, हफीज सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट रोड पे, यहाँ पर एक सेकंड को दिखाता हूँ, यहाँ पर इनकी शॉप होगी। मैंने रोहान भाई को कहा था कि भाई आप मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ ही। यहाँ पर हफीज सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट रोड पे यहाँ पर लड़कियों का शॉप तो इन्होंने बंद की, ये रहा आर्बिटेक्स एंड गेम्स। तो चलते हैं, चल के देखते हैं क्या कहते हैं रोहान भाई। आर्बिटेक्स एंड गेम्स, हाँ ले आ इसको, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं रोहन भाई कैसे।
पहले तो बॉयज फाइनली हम रोहन भाई के पास पहुँच गए, रोहन भाई बैठे हैं ये हमारे पीसी है, हमेशा जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रात को मैंने भेजा है वहाँ पर जाके इन्वाइस लेके, इन्वाइस आते तो रोहन भाई वो कोटेशन निकाल रहे हैं, ग्राफिक कार्ड पड़े हुए हैं उधर सारे, रश बड़ा लग गया अचानक से, सब कर दो कहते हैं इसका भी कुछ। ये सारे पैक कर नुमान बॉयस, ये देखो ये पावर्स में है, ग्राफिक कार्ड भी दिखाएगा मुझे, ये इसका कूलर लग गया, ठीक है ये लगवा रहा था, ये वापस कर दिया, ये ग्राफिक कार्ड है 3650 काफ़ी है, प्रोसेसर भी चेंज करवा रही है, अभी नीचे एक एलईडी होगी एमएससी वाली, वो नीचे चेक करा देना, बाकी ये वो उधर अगे वो सामने बॉक्सेस पड़े हैं और डुअल चैनल भी डुअल चैनल नजर नहीं आएगी वैसे भी किया अच्छा बॉयस तो अभी भी सामान रखे फ्री हुए, ये हमारा पीसी आ गया और ये हमारा न्यू मॉनिटर, लेट्स गो बॉयस अभी घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं, मैं तुम्हें वो सेटअप करके दिखाता हूँ। अरे चाबी हेलो बॉयस, तो मैं घर आके सो गया था यार, अभी भी सो के उठा हूँ, रात को मैं माशाल्लाह सेटअप करते करते सो गया था, ये सेटअप है, प्रोसेसर राइजन 5 3600 लगा हुआ था, राइजन 5 5600X लगवाया, ठीक है EVGA का 3060 Ti, उसके बाद कॉर्सर की दो रैम्स 8GB के, एक ये मोनीटर तो एक ये मोनीटर, ये MSI का मोनीटर लिया था, MSI था ये 165 Hz में 2K मोनीटर है ये। अच्छा अब एक और चीज़ मैंने आप लोगों से पूछ रही थी, मुझे एक और चीज़ बताओ
AVGA का 3060 Ti लगा हुआ है, ठीक है, 2K में, ये 2K में बेंचमार्क हो रहा है, 2K में अल्ट्रा सेटिंग्स में, सबसे हाईएस्ट सेटिंग में बेंचमार्क हो रहा है, FPS आ रहे हैं इसकी 80, यहाँ पर भी देख सकते हो 80 FPS आ रहे हैं इसके, और इसका टेम्परेचर जो GPU का टेम्परेचर है ना 86 तक जा रहा है, 85-86, इसके लिए ये नॉर्मल है कि नहीं मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये टेम्परेचर देखो 89 टेम्परेचर जा रहा है AVGA 3060 Ti का, ये नॉर्मल है कि नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी जिनसे मैंने लिया है, मैंने आर्बिटेक एंड गेम से रोहान भाई से लिया है ये ग्राफिक कार्ड, मैं उनको मैसेज करके कहा था कि रोहान भाई इसका टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, 87-88 जा रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि मैं ना ईद के बाद हो सकता है ग्राफिक कार्ड चेंज कर दूँ। बाकी यार इतना ही, इंशाल्लाह एक दो दिन तक स्ट्रीम स्टार्ट होंगी, मसरूफियात हैं थोड़ी, इंशाल्लाह स्ट्रीम करेंगे थोड़े दिनों तक। बाकी ये माशाल्लाह सेटअप देखो, और मैं तुम लोगों को इसका बॉक्सेस दिखाऊं, मैंने एक और चीज़ दिखानी है तुम लोगों को, ये इसका बॉक्स है इसका MSI के मॉनिटर का, ये बॉक्स है, ये मेरे पास पुराना इसका बॉक्स पड़ा था, आज से 4 साल पहले पुराना, वो मेरे CPU का। और इसके अलावा एक और चीज़ है, ये Ryzen 5 का मेरा पुराना प्रोसेसर है, Ryzen 5 3600 है आई थिंक ये, हाँ Ryzen 5 3600, ये मैंने एज इट इज बॉक्स में डाल दिया, अगर किसी को भी चाहिए हो मुझे मुझसे साफ कह सकते हैं। बाकी ये है Red Dragon का फुली मॉड्यूलर 80+ ब्रॉन्ज Red Dragon का, हाँ ये कितना 600 वॉट का, अगर किसी को चाहिए हो मुझसे ले सकता है। बाकी माशाल्लाह यार सेटअप एक दो फिर से माशाल्लाह, करते हैं इंशाल्लाह स्ट्रीम्स कुछ दिनों तक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सर अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।